साथी जितेंद्र यहां बैठे हुए हैं, जेल जाने से पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे, जस्टिस फॉर रोहित बेमुला। रोहित बेमुला नाम के रिसर्च स्कॉलर जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे थे, उनको एबीवीपी की गुंडागर्दी और सरकार की तानाशाही के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। और उससे पहले हम लोग एक आंदोलन कर रहे थे, ऑक्यूपाई यूजीसी आंदोलन। यूजीसी का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो अनुदान देता है विश्वविद्यालयों के विकास के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्टाइपन देता है, वजीफा देता है, फेलोशिप देता है। हम लोग भी पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करते हुए यूजीसी के द्वारा 8000 रुपया वजीफा दिया जाता है और एमफिल करते हुए 5000 का वजीफा दिया जाता है, स्कॉलरशिप दिया जाता है। यूजीसी ने एक कमिटी बनाई थी जिसका नाम था फेलोशिप इन्हांसमेंट कमिटी। इसका मतलब यह होता है कि जो वजीफा अभी 5000 और 8000 दिया जाता है, इसको बढ़ाया जाएगा। यह देश बड़ा मजेदार है। और वो जो बढ़ाने वाली कमिटी थी, उसका फैसला आया कि वजीफा बढ़ाया नहीं जाएगा, वजीफा खत्म किया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों ने एक आंदोलन शुरू किया और उस वक्त वह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बना। और इसी दौरान मैं गया शहर आया था। मतलब यह है कि गया एक क्रांतिकारी जगह है, यहां जो आंदोलन करने के लिए पहुंचता है वो जेल चला जाता है। दोस्तों, गया से मेरे और भी ताल्लुकात रहे हैं। मैं मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं और कॉलेज ऑफ कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो यहां बोध गया में जो मगध विश्वविद्यालय का मुख्यालय है वहां पे आना जाना होता था, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय की तरफ से डिबेटर था, मगध यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया करता था, तो गया इस दौरान भी आना जाना रहा है। और गया के बारे में आप लोगों से क्या कहना है, लेकिन जेएनयू के अंदर बिहार से अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहीं से पढ़ते हैं तो वो गया और सिरघाटी के स्टूडेंट हैं, जो जेएनयू में सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो ये एक शहर है जहां पे एआईएसएफ का राज्य सम्मेलन हो रहा है। मैं आज इन दिनों काफी व्यस्त हूं क्योंकि मैं पीएचडी लिख रहा हूं और काफी भागम भाग वाली स्थिति होती है, तो मैं सोच रहा था अपने एआईएसएफ के साथियों के बारे में। पूरे के पूरे सम्मेलन में शामिल होना चाहता हूं, आपके बीच बैठकर गली नुक्कर में एआईएसएफ का झंडा लगाना चाहता हूं, उसका पोस्टर लगाना चाहता हूं। पोस्टर लगाते लगाते जब रात बीत जाए तो सुबह में चाय पीते हुए इस देश की समस्या के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। इस देश को बदलने की जो चाहत और तमन्ना है उसको आप साथियों के साथ जीना चाहता हूं, लेकिन परिस्थिति यह है कि पीएचडी जमा करना है, वक्त का अभाव है और काफी भागम भाग रहती है। इसीलिए माफी चाहते हुए इस सेशन के बाद जो बाकी सेशन होगा राज्य सम्मेलन का, मैं उसमें शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, देश का पहला छात्र संगठन जो देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और देश के अंदर अंग्रेजों को परास्त करके एक आजाद मुल्क की स्थापना की, और आज इस आजाद मुल्क की आजादी को संविधान ने जो हमको आजादी दी है, उस आजादी को कुछ लोग छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए आजाद देश में, अपने देश में आजादी की मांग कर रहे हैं, जिस आजादी की बात हमारा संविधान करता है, जिसमें कहता है कि सबको बराबरी से रहने की आजादी है, सबको अपने आधार से खाने पीने की, उपासना की, अपने तरीके से धर्म को चुनने की, संप्रदाय को मानने की, न्याय की, समानता की, अवसर की, ये तमाम तरीके के समानता का अधिकार दिया गया है। आज इसको छीनने की कोशिश की जा रही है और ऐसी ताकतें सत्ता पे काबिज हुई है
जिनका आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। मैं बात कर रहा हूं कच्छाधारियों का, हाफ पैंट पहनने वाले आजकल फुल पैंट कर लिए। तो ये जो हाफ पैंट वाले हैं ये आजकल देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कहते हैं कि इतिहास के बारे में झूठ बोला जा सकता है लेकिन इतिहास बदला नहीं जा सकता। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो एक मजेदार बात बोले हैं कि जिनको इतिहास की समझ नहीं होती वो इतिहास नहीं बनाते हैं। इसीलिए ये इतिहास तो बना नहीं सकते हैं, इतिहास बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास के बारे में झूठ जरूर बोल सकते हैं। तो ये आजकल झूठ बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़े देशभक्त हैं। जब भी ये देशभक्त आपको दिख जाएं, उनको बुला करके पूछिएगा एक आदमी का नाम बता दो जो ब्रिटिश के द्वारा आरएसएस के किसी लीडर को जेल में डाला गया हो, फांसी पर चढ़ाया गया हो, उसके साथ कभी कुछ किया गया हो। इनके पास ऐसा कोई नाम नहीं है। और तो और आजकल ये लोग पब्लिक में अंबेडकर करते हैं और प्राइवेट में सावरकर करते हैं। तो जो सावरकर जी थे, सावरकर जी ने अंग्रेजों से माफी मांग ली थी, इस बात का इतिहास है। और जो सावरकर के चेले हैं वो अंबेडकर के चेलों से आजादी पे कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं, कोई बहस नहीं कर सकते हैं। और इनका इतिहास ये है कि माफी मांगने वाले ये लोग खुलेआम इन्होंने लिखा अपने दस्तावेजों में कि हम संघियों को, जिनको इस देश के परिधान में कोई परिधान नहीं मिला, हिटलर के मुसोलिनी से काली टोपी लेकर के आ गए, कच्छाधारी काली टोपी वाले ये संघी अंग्रेजों के बारे में कहते थे कि अंग्रेजों से हमको लड़ने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजों को हमको मदद करनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेज अगर रहेंगे तो इस देश में मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और हमको हिंदू राष्ट्र बनाने में आसानी होगी। ये इनकी सोच समझदारी थी। और इस इतिहास को आप पढ़िए, क्यों करते थे कि इनको वायसराय बना दिया जाए, इनको बहुत बड़ी बड़ी डिग्री दे दी जाए और गरीबों का जमीन छीन करके इनको जमींदार बना दिया जाए, इसलिए ये जासूसी किया करते थे। उस समय अंग्रेजों की जासूसी करते थे, देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और जब देश का संविधान लिखा जा रहा था तो आरएसएस ने कहा कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को हम नहीं मानेंगे। और आज उसी संविधान का कसम खा करके कुर्सी पे एकदम बैठने के लिए ताबड़तोड़ प्रतियोगिता किए हुए हैं। और संविधान को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति इस देश का संविधान है, ये आरएसएस का कहना है। और 1947 के बाद जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमको हिंदू धर्म के अंदर जो जात पात है उसको खत्म करना है, उसको नस्ते नाबूद करना है, और उसको खत्म करने के लिए, उसको नस्ते नाबूद करने के लिए यह जरूरी है कि हम मनुस्मृति को जलाएंगे। और जब मनुस्मृति को जलाया गया तो ये संघी लोग, उस समय बीजेपी पैदा नहीं हुआ था, इनका पप्पा है वो, तो संघी लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जला रहा था। और आज 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी उरन खटोला से गए थे बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। बहुत बढ़िया बात है। अंबेडकर को जलाने से लेकर के अंबेडकर का मूर्ति लगाने वाले, जब तक मनुस्मृति नहीं जलाओगे तब तक नहीं मानेंगे कि तुमको इस देश के संविधान में भरोसा है। चलो छोड़ दिया, देते हैं मनुस्मृति को, कौन पूछ रहा है आजकल मनुस्मृति को। आजकल आरएसएस भी मनुस्मृति की बात नहीं कर रही है, तो देश के संविधान की बात कर लेते हैं। और देश का संविधान क्या कहता है? देश का संविधान कहता है कि भारत की सीमा रहने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय भाषा बोली रंग के लोग
सभी लिंग के लोग इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिकों का तमाम अधिकार समान रखा गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, गोरा हो या काला हो, सबके लिए बराबरी की बात की गई है। जब सबके लिए बराबरी की बात की गई है तो उस बराबरी का हक जब हम मांगते हैं, जब हम कहते हैं कि हमको मनुवाद से आजादी चाहिए, हमको जातिवाद से आजादी चाहिए, जो धार्मिक उन्माद है, जो सांप्रदायिकता है, हमको उससे आजादी चाहिए, समाज के अंदर जो गरीबी, लूट और भूख है, उससे हमको आजादी चाहिए, और हर एक इंसान को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, महिला हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको आत्मसम्मान से जीने का हक है, हमको इस आत्मसम्मान की आजादी चाहिए। तो इस बात से आपको पेट में दर्द क्यों होता है? इनको पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनको संविधान में भरोसा नहीं है, इसीलिए ये कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। भाई, इस देश को तुम इतना हल्का मत समझो। जब तुम अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे, तब भी तुम्हारे खाकी चड्डी के भीतर जो भगवा रंग है उसको हमने देख लिया था, और आज भी देशभक्ति के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर तुम्हारा बगल बच्चा ध्रुव सक्सेना और उसके बच्चे पाकिस्तान की जासूसी कर रहे हैं, उसको हमने देख लिया है। तुम हमको देशभक्त साबित करो, ये हम जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन तुम गद्दार हो, कभी अंग्रेजों की के लिए गद्दारी की, आज पाकिस्तान के नाम पे गद्दारी कर रहे हो, ये हम जरूर समझते हैं।